संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर एक्शन में दिखाई दे रहा है। आंदोलन स्थगित किए जाने के एक महीने बाद हुई बैठक में मोर्चे ने ऐलान किया है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इसकी पहली कड़ी 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत सभी राज्यों में जिला व तहसील स्तर पर धरना आयोजित किया जाएगा। फिर भी यदि सरकार नहीं जागी तो 1 फरवरी को बैठक कर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है और नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि मूवमेंट से लोग गए हैं और 15 तारीख की यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी और सरकारों को भी उस टाइम पे दिया था, टाइम दिया सरकारों को भी। अब सरकारों का पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या करा, उसके बाद हम जा रहे हैं फिर संयुक्त मोर्चा। तो फिर अरे क्या पता क्या करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, हाँ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहाँ पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहाँ पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहाँ पे कार्यक्रम बनेगा हम वहाँ पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई, जो मुकदमे अभी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, दो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो, पंजाब में अभी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा, यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे भी बातचीत करेगा। पहला तो ये है कि हम 1.25 महीना तक हमने राह देखी। 9 दिसंबर को इस सरकार ने हमें खत भेजा था जो हमने आपके साथ शेयर किया था क्या क्या वो करेंगे, और उसके आधार पर 11 दिसंबर को हमने इस आंदोलन को स्थगित किया और यहाँ पूरे मोर्चे के लोग अपने अपने घर गए। आज 15 जनवरी तक सरकार ने जो जो कबूल किया उसमें से एक हरियाणा में थोड़ा सा केस वापसी के बारे में थोड़ी सी तरक्की हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकी किसी भी मामले में कोई भी तरक्की उन मामलों को जो 5-6 मामले हैं उसके ऊपर नहीं हुई। एमएसपी कमेटी नहीं बनाई, बिजली बिल के साथ हमारे से चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, पूरे देश भर में केस वापसी का मामला है, दिल्ली के अंदर है, केंद्र सरकार ने कई केसेस डाले हैं, पूरे देश भर में रेल रोको के केसेस है, तो इनके बारे में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसने लेटर में ये भी लिखा था हम पूरे राज्यों को बताएंगे कि आप सभी केसेस ये किसान आंदोलन के वापस लो। मैं अभी कर्नाटक में गया, तमिलनाडु में गया, त्रिपुरा में गया, ये 4-5 राज्यों में एक भी केस वहां के राज्य सरकार ने, तमिलनाडु के तो पहले की सरकार थी AIDMK के, और उसके अंदर एक भी केस वापस नहीं, और केंद्र सरकार ने कोई भी लेटर किनको भेजा नहीं है। तो ये बात है। मुआवजे के बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, न तो हरियाणा में भी आगे बढ़ा, न यूपी में आगे बढ़ा, तो ये सब मामले हैं। तो इसलिए जैसे आपको बताया 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन, वायदे खिलाफी के विरोध का दिन, पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और इस मोदी सरकार के पुतले को फूंक दिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।